हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राज और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यूपी इंग्लिश टीच पीटी पेपर में। दोस्तों, आप लोग का पेपर बहुत जल्द होने वाला है, पर मुझे बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल रहा है। बहुत अभी पूरा अगर छुट्टी मिल जाती तो कुछ अच्छे वीडियो बन पाते, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल पा रहा है। तो जो कुछ भी थोड़ा समय मिल पा रहा है तो वीडियो बना रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। और जो पुराने पेपर हैं 10 साल के, 10 ईयर ओल्ड पेपर आपके पास अगर हों टीजीटी पीजीटी के, तो जहाँ जहाँ कहीं भी हों, यदि किसी वेबसाइट पे हैं तो वहाँ का हमको लिंक भेज दीजिए, जो मेरी ईमेल आईडी उस पर मेल कर दें। और यदि फ़ोटो खींच कर आप लोग भेजना चाहते हैं तो भी वो भी भेज देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उसके ऊपर हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे, ठीक है, वीडियो फॉर्म बनाएंगे। और तैयारी उतनी अच्छी हो नहीं पा रही है जितनी अच्छी होनी चाहिए। और पीजीटी के लिए हम 50 50 क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक बनाना चाहते हैं, जिस तरह शॉर्ट ट्रिक से हम बताते हैं तो उस तरह से हम बनाना चाहते हैं। तो कोई भी जैसे नॉवल है, कविता है, कोई कुछ और है, सोलिलोक्वी है या ड्रामा है, प्ले है, आप लोगों को अगर याद नहीं हो रहा है उसका जो उसका रचनाकार कौन है, आप लोग को यदि याद नहीं हो रहा है तो कमेंट करके आप हमको बता देना। तो 50 क्वेश्चंस जब इकट्ठा हो जाएंगे तो उसके ऊपर एक वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा रहेगा और आप लोग को बहुत ही इसमें मतलब कि सपोर्ट मिलेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये वाला जो वीडियो है, ये प्रैक्टिस सेट आपको हम बता रहे हैं कि प्रैक्टिस सेट ये हमने कहीं से व्यायाम किया है प्रैक्टिस सेट। तो सबसे पहले जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, तो इसमें पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, ये इसमें दिया है पैराग्राफ। अगर आप लोग चाहें इसको धीमे धीमे हम करना है कि आप लोग देख सकें अच्छी तरीके से पैराग्राफ। ये टीचर्स के बारे में है, जो पैराग्राफ है ये इसमें बता रहे हैं, जो टीचर्स हैं वो आजकल उनका जो पूरा टारगेट रहता है वो केवल सैलरी पे रहता है और वो ठीक से पढ़ना नहीं चाहते हैं और मतलब कि अपने काम के प्रति समर्पित नहीं है। और उनका जो पूरा टारगेट होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने पर होता है और वो लोग ट्यूशन भी पढ़ाना चाहते हैं, सिर्फ उनका जो पैसा मतलब टारगेट है वो पैसा कमाना होता है। तो इस तरह आप लोग वीडियो पॉज करके देख लेना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, ठीक है, पूरा अगर सॉल्व करेंगे तो वो टाइम लगेगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द स्ट्राइक्स बाई टीचर्स इन वेरियस स्टेट्स इन मेनली, यहाँ पूछ रहे हैं जो टीचर्स ने स्ट्राइक की थी, हड़ताल की थी, वो क्यों की थी। तो इसमें सही जवाब है फॉर हाइक्स इन ए पे स्केल। जो टीचर्स थे वो चाहते थे कि उनकी सैलरी बढ़ा दी जाए, फॉर हाइक्स इन पे स्केल। ये वाला बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें इसको हम थोड़ा वो कर दे रहे हैं, ये वाला बी वाला, ठीक है, ये पीला वाला भी हो गया है पर ये ऐसा नहीं है, ये वाला हो जाएगा, सिर्फ बी वाला इसमें हो जाएगा फॉर हाइक्स इन पे स्केल। और आपको हम यहाँ दिखा दें, यहाँ पर एकदम लिखा हुआ है द टीचर्स बाय, इसमें देखिए द टीचर्स द स्ट्राइक्स बाई टीचर इन वेरियस स्टेट्स फॉर एम्बिशन हाइक्स इन पे स्केल। जो टीचर थे वो चाहते थे कि उनकी सैलरी बढ़ा दी जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये वाले उसमें हो गया है पेज। अब मैं दूसरा पेज खोल रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब खोलते हैं दूसरा पेज। तो पेज नंबर ये देखते हैं, उसके बाद वाला पेज, तो उसमें देखते हैं फर्स्ट वाला आपको बता ही चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, द ऑथर्स एटीट्यूड इज, जो लेखक है उसका किस तरह का मतलब किस तरह का व्यवहार है, उसका क्या दृष्टिकोण है। तो इसका सही जवाब है बी बी क्रिटिकल। जो जो लेखक है वो इनको क्रिटिसाइज कर रहा है, जो टीचर हैं उनकी बुराई कर रहा है, आलोचना कर रहा है, उनकी निंदा कर रहा है। तो सही सही जवाब यही वाला हो जाएगा क्रिटिकल, ठीक है। और जो सिनिकल माने होता है, जो सिनिकल का कुछ और मीनिंग होता है, सिनिकल का होता है जो बहुत बहुत ही चिड़चिड़ा व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं सिनिकल। तो ये नहीं होगा, ये बी वाला बिल्कुल सही है क्रिटिकल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द मीनिंग इन इन ग्रुप इन इन ए ग्रिप ऑफ, ग्रिप ऑफ माने होता है कि क्या कहते हैं, जिस तरह क्या कहते हैं, जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के पकड़ में आ जाती है तो उसे बोलते हैं ग्रिप ऑफ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि आजकल की जो भर्तियां हैं वो भ्रष्टाचार की ग्रिप में आ चुकी हैं। जो आजकल पेपर्स होते हैं, जो परीक्षाएं होती हैं नौकरियों के लिए, जो भर्तियां निकलती हैं वो भ्रष्टाचार के पकड़ में आ चुकी हैं। तो वहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे इन ग्रिप ऑफ, ठीक है, मतलब कोई चीज़ किसी के पकड़ में आ जाए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, कवरिंग कवरिंग समथिंग टाइटली, मतलब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के पकड़ में आ जाती है तो उसको ही बोलते हैं ग्रिप ऑफ। ये बहुत ही आसान है, आप लोग समझ जाएंगे तुरंत इसको।
ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड इन ए कैपिटल लेटर इन इन कंपासस। तो इन कंपासस माने होता है किसी चीज को शामिल करना। ठीक है, अब इसके रिजेक्ट दिया है और एलुफ एलुफ दिया है। अब इसका अगला पेज हम खोल रहे हैं, तो इनका इन कंपास माने होता है किसी चीज को शामिल करना। तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सक्लूड, किसी चीज को निकाल देना। ठीक है, ये इसका अपोजिट हो जाएगा और हमें यहाँ पे अपोजिट ही चुनना है। तो अब इसके बाद आगे वाला पेज, ये इसमें देखिए ये वाला जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी एक्सक्लूड्स, तो इसका अपोजिट हो जाएगा एक्सक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। सॉलिटरी, सॉलिटरी माने होता है एकांत में अकेला। जो व्यक्ति अकेला में रहना चाहे, एकांत में रहना चाहे, उसको ही बोलते हैं सॉलिटरी। तो इसका अपोजिट क्या होगा कि जो ग्रुप में रहे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ग्रुप। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्रुप होगा ये वाला, ये अलग हो जाएगा ग्रुप। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन ईच ग्रुप वन वर्ड इज मिस स्पेल्ड, फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड्स। इसमें हमें पता लगाना है कि कौन सी स्पेलिंग गलत हो रही है। ठीक है, तो प्रिकॉशन बिल्कुल सही स्पेलिंग है, ये बिल्कुल सही है। पिनेंस, पिनेंस माने होता है शायद किसी से बदला लेना होता है, पिनेंस। ठीक है, इसका शायद यही मीनिंग होता है, बहुत श्योर नहीं है हम। प्ले बिस्काइट का भी कुछ मीनिंग होता है, हमने इसका बहुत ज़्यादा नहीं देखा है। तो प्रेरी, ये वाला गलत है। ठीक है, ये प्रेरी की स्पेलिंग यहाँ नहीं होगी, PRAI, और ये आपको दिखा रहे हैं पूरी स्पेलिंग क्या है सही। ये प्रेरी की स्पेलिंग होती है, जो घास के मैदान होते हैं उत्तरी अमेरिका में उसको ही प्रेरी बोलते हैं, जी के में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो PRAI RIE, तो यहाँ पे ये सही स्पेलिंग है प्रेरी की। ठीक है, तो ये गलत हो गया। और यहाँ पे यहाँ देखना है कि यहाँ पे कौन सी स्पेलिंग मिस स्पेल्ड है। साइको एनालिस्ट, ये स्पेलिंग सही है। फिजिशियोलॉजिस्ट, ये भी सही है। साइकोलॉजिस्ट माने होता है मनोवैज्ञानिक, फिजिशियोलॉजिस्ट माने जो फिजिशियन होता है शायद, उस तरह का कुछ हो। तो साइकेट्रिस्ट, यहाँ पे जो दिमाग के रोग होते हैं उनका जो इलाज करता है उसको बोलते हैं साइकेट्रिस्ट। तो फ्रेंड्स ये स्पेलिंग गलत है, क्योंकि CHI होना चाहिए, CHI होगा, ए होगा, फिर उसके बाद पूरी स्पेलिंग वही सेम रहेगी। तो आप लोग को दिखा देते हैं साइकेट्रिस्ट की स्पेलिंग, ये सही है। ठीक है, साइकेट्रिस्ट, तो ए होगा और वहाँ पे लिखा है AI, बस इतने ही उसमें वो है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 to 10। द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन ऑल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज। अब यहाँ पे एक फ्रेज दिया गया है, एक मुहावरा दिया गया है, उसको रिप्लेस करना है सही से। तो ही इज ए ग्रेट हैंड एट ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक पब्लिक मीटिंग्स। वह जो है वो इसमें लिखा है ग्रेट हैंड्स, तो ये बिल्कुल साफ साफ मालूम पड़ा है कि उसके अंदर इस बात का हुनर है, जो पब्लिक मीटिंग्स आयोजित कराने की उसके अंदर बहुत क्षमता है और उसे वो काम पता है, उसके अंदर हुनर है। तो यहाँ पे सही जवाब, वेरी फॉन्ड ऑफ माने होता है शौकीन होना। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं होगा, वेल क्वालिफाइड, यहाँ क्वालिफाइड कोई बात नहीं हो रही है, तो एक्सपर्ट एट सबसे सही हो जाएगा, एक्सपर्ट एट, यही वाला बिल्कुल सही हो जाएगा कि ग्रेट हैंड माने वह उस चीज़ में बहुत ही एक्सपर्ट है, बहुत ही माहिर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। लेट अस एडमिट दैट दैट वी कुड नॉट हीप कोल्स कोल्स ऑफ फायर ऑन हिज हेड। ये अब हमें स्वीकार कर लेना चाहिए कि हम क्या कहते हैं उसको, इसका मीनिंग ये होता है किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को शर्मिंदा करना। हीप कोल ऑफ फायर ऑन हिज हेड माने किसी की बेइज्जती करना, किसी को शर्मिंदा करना, ये इसका मीनिंग होता है। तो सही जवाब है पुट हिम टू शेम। ठीक है, पुट हिम टू शेम मतलब कि किसी को शर्मिंदा करना। तो अब इसमें कह रहे हैं कि लेट अस एडमिट दैट दैट वी कुड नॉट हीप कोल्स ऑफ फायर ऑन हिज हेड, और ये बात अब हम स्वीकार करते हैं कि हम उसको शर्मिंदा कर सके। आपको पूरा दिखाते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पे दिया है इस्तेमाल की, क्या कहते हैं, इफ दाइन एनिमी हंगर फीड हिम, यदि आपका शत्रु क्या कहते हैं बहुत ही भूखा है तो उसे खाना खिलाओ। इफ इफ ही थर्स्ट, यदि वह
यदि वह प्यासा है तो उसे गिव हिम ड्रिंक, तो उसे पीने के लिए पानी दो। फॉर इन इन सो डूइंग डूइंग दाउ शैल हीप कोल्स ऑफ फायर ऑन हिज हेड। और जब तुम ऐसा करोगे तो वो बहुत ही शर्मिंदा हो जाएगा, क्योंकि जो आपका शत्रु है तो आपको उसके ऊपर मतलब आक्रमण करना चाहिए और उसको मतलब हम उसको नुकसान पहुंचाना चाहिए, परंतु आप उसे भोजन खिला रहे हैं और पानी दे रहे हैं, तो जब आप ऐसा व्यवहार करेंगे तो वो बहुत ही शर्मिंदा हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हो गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कुनिकावा से कॉक श्योर दैट सी वॉज एबल टू डू द जॉब एज डिजायर्ड। जो यहाँ पे कनिका होना चाहिए, ठीक है। कॉक श्योर का मतलब होता है डेड श्योर, मतलब एकदम कंफर्म। जब कोई व्यक्ति बिल्कुल श्योर होता है तो उसको ही कॉक श्योर बोलते हैं और डेड श्योर भी बोलते हैं। तो सही जवाब है परफेक्टली कॉन्फिडेंट, कि जो कनिका थी वह बिल्कुल क्या कहते हैं कंफर्म थी, सुनिश्चित था उसको, एकदम पता था कि क्या कहते हैं वह शी वॉज एबल टू डू द जॉब एज डिजायर्ड। वह अपनी इच्छा का काम उसको मिल जाएगा, अपनी इच्छा का काम वो कर सकेगी। और इसको आप एक बार और देख लीजिए। देखिए कॉक्सर माने होता है समास वस्त, सुनिश्चित, पूर्ण रूप से निश्चित, खुद एतमाद, किसी को अपने ऊपर पूरा भरोसा हो कि वह यह काम कर लेगा, तो उस स्थिति में कॉक्सर का इस्तेमाल करते हैं। अब चलते हैं आगे वाले पेज पर। तो ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे क्या कहते हैं चूज चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। इसमें भी क्या कहते हैं एक फ्रेज इन्होंने दिया है, इसमें मतलब दिया है, तो इसको भी सही करना है। द वर्क इज वर्स बाय ऑल दैट यू डिड। यह जो काम तुमने किया है सबसे घटिया है, जो तुम अभी तक तुमने जो काम किए हैं उसमें सबसे घटिया है। तो ऑल ऑफ यू डिड टू वाट यू डिड बिफोर देन वाट यू डिड, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा, देन वाट यू डिड बिफोर। दिस वर्क इज वर्स देन वाट यू डिड बिफोर। यह काम जो तुमने किया है वह तुम्हारे पूर्व में किए गए कामों में सबसे बेकार है। तो यहाँ तुलना की गई है वर्स देन, आप ऐसे पकड़ लीजिए कि वर्स के बाद देन का इस्तेमाल आएगा तो आराम से बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं चूज द वर्ड विच इज सेम इन द मीनिंग। तो सिनोनिम हमको बताना है, सेम बताना है। पोर्टेंट्स, तो पोर्टेंट्स माने होता है आश्चर्यजनक, ऐसी चीज जो बिल्कुल अद्भुत हो, तो उसका सही जवाब हो जाएगा वंडर्स। ठीक है, पोर्टेंट्स आपको बताते हैं विस्तार से। ये देखिए पोर्टेंट्स का मतलब होता है अद्भुत बात, अद्भुत बात, अजूबा। ठीक है, जो चीज बिल्कुल अद्भुत हो, अजूबा हो, उसको ही पोर्टेंट्स बोलते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, इम्पेंडिंग। तो फ्रेंड्स इम्पेंडिंग माने होता है जो चीज़ होने वाली होती है शीघ्र ही, जो चीज़ शीघ्र ही होने वाली हो, जो घटना शीघ्र ही होने वाली हो उसको बोलते हैं इम्पेंडिंग। तो सही जवाब हो जाएगा इमिनेंट। इमिनेंट का भी वही सेम मीनिंग होता है, आपको दिखाते हैं इसका मीनिंग। देखिए इम्पेंडिंग माने होता है आसन्न, उपस्थित, निकट का, नज़दीक, सिर पर। जैसे क्या कहते हैं इस तरह का सेंटेंस बनाए कि पीजीटी टीजीटी की जो परीक्षाएं हैं वो बिल्कुल सिर पर आ गई हैं स्टूडेंट्स के, तो इस तरह वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं इम्पेंडिंग, जो कि शीघ्र ही होने वाला हो। और इमिनेंट का माने क्या होता है कि निकट का, अभी होने वाला, सिर पर, जो भी जल्दी होने वाला हो, क्लोज इन टाइम, अबाउट टू ऑकर। तो ये बिल्कुल सही हो गया। अब चलते हैं आगे वाले पेज पर, क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 14, 14 to 15, तो इसमें क्या बताना है कि इसमें क्या कहते हैं जो सेंटेंस होता है उसके लिए एक वर्ड बताना है। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मोस्ट अप्रोप्रिएटली रिप्लेस द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो इसमें क्या कहते हैं पूरे वाक्य के लिए एक शब्द जो होता है वही वाला इसमें है। तो क्वेश्चन नंबर 14, हिज फादर इज़ ए डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रेन एंड इन्फेंट्स। और उसके पिताजी एक ऐसे डॉक्टर हैं जो कि बच्चों का और नवजात शिशुओं का इलाज करते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन तो आप बहुत आसान है, इसके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पीडियाट्रिशियन। पीडियाट्रिशियन इसका मीनिंग होता है बाल रोग विशेषज्ञ। ठीक है, बाल रोग विशेषज्ञ होता है जो बच्चों का इलाज करता है। और जो पहला वाला ऑप्शन है डर्मेटोलॉजिस्ट, इसका होता है कि जो खाल के, त्वचा के जो डॉक्टर्स होते हैं, जो दांत खाज
खुजली का इलाज करते हैं उनको बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट, और गायकोनोलॉजिस्ट को बोलते हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ। ठीक है, गायकोनोलॉजिस्ट आपने इसको बहुत देखा होगा, डॉक्टरों के जो क्लिनिक होता है वहाँ देखा होगा जहाँ उनका बोर्ड लगा होता है। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर्स होते हैं उनको बोलते हैं गायकोनोलॉजिस्ट। और ऑप्शन नंबर सी पोडियाट्रिस्ट, पोडियाट्रिस्ट माने होता है पैर के रोगों का जो इलाज करता है उसको बोलते हैं पोडियाट्रिस्ट। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है बिल्कुल, पीडियाट्रिशियन, बाल रोग विशेषज्ञ। ठीक है, इसका हमने लिखा नहीं है बाल रोग वाले का क्योंकि ये बहुत आसान था, इसका हमने बिल्कुल नहीं लिखा है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। द फैशन ऑफ बेल बॉटम्ड ट्राउजर हैज़ बिकम आउट ऑफ डेट। तो फ्रेंड्स आउट ऑफ डेट, तो बिल्कुल इसका सही जवाब है ऑब्सोलेसेंट। ऑब्सोलीट माने होता है जो चीज़ पुरानी हो चुकी है अब उसका इस्तेमाल नहीं होता है, तो बिल्कुल सही जवाब है ऑब्सोलेसेंट। ठीक है, पहले वो कभी कभी चलता था पर अब उसका इस्तेमाल नहीं होता है। तो यहाँ पे अब 15 तक हो गया है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ही मे हैव एज्ड व्हेन आई लास्ट सा हिम। उसकी उम्र अब ज़्यादा बढ़ गई होगी, व्हेन आई लास्ट सा हिम, जब हमने उसको पिछली बार देखा था तो अब वह उसकी उम्र कुछ ज़्यादा बढ़ गई होगी। तो इसमें लिखा है सिंस आई सॉ हिम, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। सिंस आई लास्ट सा हिम, बिफोर आई लास्ट सा हिम, तो इसमें सही वाला है बी वाला, बी वाला बिल्कुल सही है, सिंस आई लास्ट सा हिम। और मुझे उसको देखे हुए काफ़ी समय हो गया है और अब उसकी एज यानी कि उम्र उसकी ज़्यादा हो गई होगी, तो यहाँ पे बी वाला आएगा, सिंस आई लास्ट सा हिम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं। आई वुड लाइक टू अवेल ए 15 15 डेज हॉलीडे दिस समर। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा कि अवेल के साथ हमेशा जो प्रिंसिपल होता है उसके अकॉर्डिंग वो लिखते हैं जो सपोर्टिंग वर्ब है और उसके साथ में रहता है। ठीक है, तो जहाँ भी अवेल का इस्तेमाल होता है, अगर यहाँ ही होता तो लिख देते कि हिमसेल्फ, और शी होता तो हरसेल्फ कर देते, वी होता तो लिखते वी होता तो उसके एक अकॉर्डिंग इस पर चेंज रहता। तो यहाँ पे आई है तो यहाँ पे रहकर टू अवेल माई सेल्फ। ठीक है, टू अवेल माई सेल्फ ए 15 डेज, तो यहाँ पे ऑफ नहीं होगा, इसमें 17 का ए ही होगा, नहीं 17 का इसमें सी वाला हो जाएगा, अब माई सेल्फ ऑफ हो जाएगा। ठीक है, माई सेल्फ के बाद ऑफ आएगा क्योंकि इसमें पूरा विस्तार से कभी पढ़ा जाएगा कि जहाँ पे अवेल का इस्तेमाल होता है वहाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाता है, इसके बाद की जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ही चेंज हो जाता है। टू अवेल माई सेल्फ ऑफ मतलब मैं अपने आप को 15 दिन का हॉलीडे देने वाला हूँ, छुट्टियों में मैं अपने आप को 15 दिन की छुट्टियाँ दूंगा, ये इसमें हो गया है। और अब क्वेश्चन नंबर 18 to 20, यहाँ पे क्या कहते हैं, एक पैराग्राफ दिया है और इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, चूज द करेक्ट वन, इसमें 18 नंबर पे कौन सा भरना है। तो इसमें देखते हैं साइंटिफिक साइकोलॉजी रिकॉग्नाइजेस ए, तो लिखा है क्लियर ट्रूथ, रियल ट्रूथ, सिंपल ट्रूथ, डायरेक्ट ट्रूथ। तो जो जो ट्रूथ है क्लियर ट्रूथ तो बिल्कुल नहीं होगा, रियल ट्रूथ भी बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि जो कोई सच होता है वो कभी रियल इस तरह यूज़ नहीं होता है कि रियल ट्रूथ, क्योंकि जो सच होता है वो अपने आप में ही सच होता है, तो उसमें रियल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट ट्रूथ मतलब ये भी बिल्कुल गलत है। तो सिंपल ट्रूथ, जो जो ट्रूथ होता है वो हमेशा सिंपल होता है, एकदम सही है, तो यहाँ सिंपल का इस्तेमाल होगा। साइंटिफिक साइकोलॉजी रिकॉग्नाइजेस ए सिंपल ट्रूथ दैट दैट नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक इन दिस वर्ल्ड। तो यहाँ पे जो विज्ञान क्या कहता है कि इस संसार में जो विज्ञान का नियम है और उसका जो विज्ञान ये कहता है कि इस संसार में कोई भी दो लोग एक समान नहीं हो सकते हैं, और यह बहुत ही सिंपल ट्रूथ है, ये हर जगह देखने को मिल जाता है, बहुत ही सिंपल ट्रूथ है। तो 18 नंबर तक हो गया है, अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18 तक हो गया था, अब देखते हैं इसके आगे वाला क्या होता है। यहाँ पे पैराग्राफ वो पिछला वाला भी पैराग्राफ वो खोल लेते हैं वरना वो पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब इसको एक बार और पढ़ते हैं पैराग्राफ 18।
ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है डैश से इक्वालिटी इज ए फॉस्टर्ड नॉर्म ऑफ सिविल सोसाइटी। तो अब इसमें कौन सा इस्तेमाल करना है, यहाँ पे चार ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है व्हेन सिंस एज इवन दो, ठीक है, व्हेन सिंस एज इवन दो, तो इसमें सही जवाब जाएगा डी इवन दो। आपको दिखाते हैं इसका किस तरह इस्तेमाल होगा, तो इवन दो इक्वालिटी इज फॉस्टर्ड नॉर्म ऑफ सिविल सोसाइटी, और मतलब जो जो क्या कहते हैं जो लोगों में समानता नहीं होती है, उसके बाद भी इवन दो का अर्थ हुआ कि उसके बाद भी ये बात माना जाता है कि जो जो हमारा समाज है उसमें कहीं ना कहीं समानता है, ये समानता समानता इस बात में है कि सभी लोगों को भूख लगती है, सभी लोग को प्यास लगती है, सभी लोग बीमार होते हैं, तो उसके बावजूद भी उसमें समानता है, ठीक है। तो यहाँ 19 पे इस्तेमाल हो जाता है इवन दो, द ट्रूथ इज दैट मैन मैन आर अनइक्वल इन, अब यहाँ पे इस्तेमाल करना है डैश ड्यू टू डिक्रीज, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो सच है कि जो मैन है यानी कि मनुष्य है वह समान नहीं है, और मतलब किस बारे में समान नहीं है, तो इन लगाना है। तो अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन हमारे पास हैं, तो यहाँ लिखा है हाई, तो हाई का इस्तेमाल नहीं होगा, टोटल नहीं होगा, नो नी नो नो का इस्तेमाल नहीं होगा, वेरिंग मतलब कि बहुत सी चीज़ों में, वेरिंग माने होता है कि भिन्न भिन्न चीज़ों में, वेरिंग माने होता है सेवरल थिंग्स, बहुत भिन्न भिन्न चीज़ों में असमान है, समानता नहीं है, ठीक है। तो वेरिंग का इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ये देखिए वेरिंग ह्यू और डिग्रीज, बहुत सारी चीज़ों में जो मनुष्य है वो समान नहीं है, तो ये हो गया, अब इसको क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे हो गया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, यहाँ पे क्या करना है, देयर इज नो मिस्टेक आंसर इज डी, यहाँ पता करना है कहाँ पे एरर है, ठीक है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, कौन से पार्ट में एरर है, कौन से पार्ट में गलती है इसमें, द ड्यूटीज ऑफ ए पुलिसमैन आर रेगुलेटिंग द ट्रैफिक, जो पुलिसमैन होते हैं उनकी क्या जिम्मेदारी होती है कि ट्रैफिक को मतलब उसको रेगुलेट करना, नियोजित करना, कंट्रोल करना, इन्वेस्टिगेटिंग क्राइम एंड टू कंटेन एंटी सोशल एलिमेंट्स, तो इन्वेस्टिगेटिंग क्राइम ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो पुलिस वाले होते हैं वो अपराधों की जाँच करते हैं, एंड टू कंटेन, अब देखिए यहाँ पे कंटेन कैसे आ गया, कंटेन तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि कंटेन माने होता है किसी चीज़ को मतलब समायोजित कर लेना, उसको अपने पास रख लेना, टू कंटेन एंटी सोशल एलिमेंट्स, तो जो लोग समाज के लिए खतरा हैं तो उनको पुलिस वाले कंटेन नहीं करते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कंटेन की जगह कुछ और होगा कि उनको पकड़वा देते हैं, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जो समाज के लिए खतरा हैं, उनको क्या कहते हैं, वो कंटेन नहीं करते हैं पुलिस वाले, उनको जेल में अंदर डाल देते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है, इसी में गलती है। तो यहाँ पे ये हो गया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, इफ आई वाज यू, तो फ्रेंड्स ये इसी में गलती है कि आई के साथ हमेशा वर का इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो इफ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता आई वुड नॉट हैव कमिटेड दिस ब्लंडर, तो मैंने यह गलती नहीं की होती, तो आई के साथ वाज का इस्तेमाल नहीं होगा, वर का इस्तेमाल होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर